भागवत जी किस किस को सुननी चाहिए? जैसे कोई किताब अगर 10th क्लास के लिए बनी है तो फर्स्ट क्लास का बच्चा तो नहीं पढ़ेगा उसे, या पढ़ लेगा? हाँ ना, बोलो क्या? आवाज नहीं आ रही, जग जाओ थोड़ी देर, आओ, बहुत देर हो गई। 10th क्लास की किताब फर्स्ट क्लास का बच्चा पढ़ेगा? देखो जग गए। ऐसे ही ये भागवत जी की जो किताब है वो कौन सी क्लास का बच्चा पढ़ेगा? क्या यहां पर बैठने वाले बूढ़े लोग इसके अधिकारी हैं? एक जगह हमारी कथा हो रही थी इंदौर में, वहां पर कथा हुई और कथा सुनने के बाद जो श्रोता में से एक महिला थी वो क्या कह रही है, महाराज जी हमें तो अभी तक ये पता था कि ये कथा केवल बुड्ढो ठुड्डो का विषय है, हमें तो लगता था कि ये कथा केवल बुजुर्ग महिलाओं का विषय है, लेकिन आज जानी ये विषय किसका है। तो यहां पर नहीं, आप लोग तो बूढ़े नहीं हो, आप लोग तो नवी नेव स्वरूपणी, सब 16 साल की हो, आपके लिए नहीं कह रहे, हम तो कहीं और के लिए कह रहे हैं। तो क्या ये भागवत जी बुजुर्गों का विषय है? क्या भागवत जी बच्चों का विषय है? और क्या भागवत जी हमारे अतिन भैया जैसे युवाओं का विषय है? किसके लिए भागवत जी हैं? ये भागवत जी के अधिकारी कौन है? तो जान लो, भागवत जी के अधिकारी हैं निर्मसनाणाम सतां, कपट रहित व्यक्ति ही भागवत जी का अधिकारी है, जिसके हृदय में कपट है वो भागवत जी का अधिकारी नहीं है।